मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिला बाल विकास की ओर से आंगनवाड़ी का नाम परिवर्तित करके बाल शिक्षा केंद्र रखा गया, जिसमें वर्ल्ड विजन एनजीओ और महिला बाल विकास अधिकारी ने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से रखकर सहयोग किया। अब बच्चे स्कूल जाने से पहले घर की दिनचर्या में नैतिक शिक्षा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास लाने के लिए आदर्श बाल विकास शिक्षा केंद्र के माध्यम से परिपक्व हो सके, इसलिए शासन की मंशा है कि बाल शिक्षा केंद्र से बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत रहे। सिटी इन भारत से विश्वनाथ नामदेव की रिपोर्ट, अमरवाड़ा। हमारे माननीय विधायक महोदय कुछ ही समय पश्चात पहुंचने वाले हैं, अतः समस्त आज हीरासानी में महिला बाल विकास केंद्र की ओर से बाल शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह शिक्षा केंद्र जो है पहले से आदर्श बाल विकास केंद्र था और आज बाल शिक्षा केंद्र के रूप में इसको बनाया गया है और हमें इस बात से खुशी है। मैं प्रज्वला सिंह हूँ वर्ल्ड विजन की ओर से, और हमें इस बात की खुशी है कि महिला बाल विकास केंद्र को एक बाल शिक्षा केंद्र में परिवर्तित करने के लिए वर्ल्ड विजन ने भी सहयोग किया है, ताकि बच्चे यहाँ पे अपने नैतिक शिक्षाओं को और एक जो स्कूल जाने से पहले जो शिक्षा उन्हें उचित रूप से मिलनी चाहिए, चाहे शारीरिक विकास हो चाहे उनकी मानसिक विकास हो, उसमें सहयोग करने के लिए वर्ल्ड विजन आगे आई और इस कार्यक्रम को संपन्न करने में मदद किया। धन्यवाद। आज पूरे मध्य प्रदेश शासन के अनुसार निर्देशानुसार हिवरासानी ग्राम पंचायत में बाल शिक्षा केंद्र के रूप में इसको गठित किया गया है, और बाल सहयोग इसको बहुत कम समय में गठित करना था, तो जिसके लिए हमने वर्ल्ड विजन से भी सहयोग लिया है। यहाँ उन्होंने बहुत सहयोग भी किया है हमारा, क्योंकि इसको बहुत ही कम समय और बहुत कम बजट में इसको करना था। तो चूँकि ये मॉडल था, तो पहले हमने अभी मॉडल के रूप में इसको गठित किया है कि जो शासन का उद्देश्य है कि पहले एक हम मॉडल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू करें और इस जैसा फिर हर सेक्टर और हर जो पूरे ब्लॉक की आंगनवाड़ी है उस आंगनवाड़ी में इसको, मतलब पूरे ब्लॉक में 191 आंगनवाड़ी को फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम गठित करते जाएंगे बाल शिक्षा केंद्र के। उद्देश्य बाल शिक्षा केंद्र का वही है कि पहले चूँकि आंगनवाड़ी केंद्र तो संचालित है, वहाँ भी इसी गतिविधियाँ होती थी, लेकिन अब यहाँ पे पूरा पूरा ध्यान जो है वो बालों को, मतलब बच्चे जो भी आएंगे उनकी शिक्षा पर दिया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं हमारे वो स्कूल जाने के पूर्व ही उतने मतलब पूरे सक्षम हो सकें, परिपक्व हो जाएं, कि वो अनौपचारिक शिक्षा जो हम बोलते हैं वो यहाँ पे शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा उनकी पूरी कंप्लीट होकर जब वो स्कूल जाएं तो वो एक स्कूली बच्चे के जैसे उनके पास ज्ञान होने। तो कई बार हम स्कूल में भेज देते हैं और बच्चे रोते गाते रहते हैं, उनको स्कूल में बैठते नहीं हैं बच्चे, उन्हें शिष्टाचार का ज्ञान नहीं होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सिखाएंगे। और इसमें बाल शिक्षा केंद्र को गठित करने में मैं वर्ल्ड विज़न को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, और हमारे यहाँ ग्रामवासी और ग्राम पंचायत सरपंच महोदय सचिव हैं, उन लोगों ने भी सहयोग हमारा किया है।